गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू ग्रामर टॉपिक दैट इज कॉल्ड नाउन जेंडर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. नाउन किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या फिर किसी थिंग का नेम होता है. एज दिस इज वी विल लर्न इट बाय सम पिक्चर्स. एज दिस इज पर्सन, वी कैन कॉल इट बाय द नेम और द मैन ऑल्सो. हम इसको मैन भी बोल सकते हैं और किसी नेम से भी बुला सकते हैं. दिस इज पर्सन, दिस इज प्लेस, दिस इज गार्डन. द नेम ऑफ द प्लेस इज गार्डन. एनिमल, this is animal and the name of the animal is zebra. This is thing and the name of the thing is bag. So students, the noun is the name. Noun किसी भी person का name, place का name, animal का name या फिर किसी भी thing का name होता है. Now we will learn the most important topic that we are going to learn today is categorization of nouns according to gender. Means नाउन को हम जेंडर के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं. देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट मैस्कुलाइन, सेकेंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन एंड द फोर्थ इज न्यूटर जेंडर. वी विल लर्न इट सेपरेटली वन बाय वन. फर्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर. सो स्टूडेंट, व्हाट बेसिकली इज मैस्कुलाइन जेंडर? द नाउन दैट डिनोट्स मेल लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर. जो किसी भी मेल लिविंग बींग्स के बारे में बताते हैं, एज द नेम इज आइडेंटिफाइड, ऐसे नेम से भी हमें पता चला मैस्कुलाइन यानी कि मेल. जो किसी भी मेल के बारे में हमें बताएं, मैन के बारे में बताएं, और वो भी मेल भी कौन होना चाहिए? लिविंग बींग्स. लिविंग, व्हाट आर लिविंग बींग्स? दैट कैन मूव, जो इधर उधर जा सकते हैं, हिल सकते हैं, एज वी आर, जैसे कि हम हैं, तुम हो, मैं हूँ, वैसे ही लिविंग बींग्स होते हैं और वो भी मेल, बट दे शुड बी मेल. That will be masculine gender. As the examples are given, for example, tiger, prince, son and king. These all are masculine gender. ये सभी masculine gender. Tiger masculine है, इसका feminine होगा tigress. Prince, son, king. All these are masculine gender. Next type of noun is feminine gender. नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज फेमिनाइन जेंडर. व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर? एज द नेम इज, इसके भी नेम से हमें पता चल रहा है, द नाउन दैट डिनोट्स फीमेल लिविंग बींग्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. जो किसी भी फीमेल लिविंग बींग्स के बारे में हमें बताते हैं वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं. फीमेल मीन्स गर्ल, वुमैन. एज आई एम अ गर्ल, आई एम फीमेल एंड आई एम लिविंग बींग्स ऑल्सो. मैं लिविंग बींग भी हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रीवियस example we learned tiger, the feminine of tiger is tigress. Prince, princess. Son, daughter. King, queen. These all are masculine and these all are feminine. As the picture is, it ends with this is a girl, this is feminine. Next type of third gender is common gender. What is common gender? The noun that denotes both male and female living beings. जो मेल और फीमेल दोनों ही लिविंग के बारे में बताता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर. मतलब कॉमन, मतलब कॉमन, जो जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो, वो क्या होगा? कॉमन जेंडर हो. फॉर एग्जांपल, पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, डॉक्टर, ये सब क्या है? कॉमन जेंडर. पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों. चाइल्ड में भी बॉय गर्ल दोनों आ जाते हैं, फ्रेंड में भी बॉय गर्ल दोनों, और डॉक्टर में भी दोनों ही आ जाते हैं. सो कॉमन जेंडर क्या हुआ? मेल और फीमेल दोनों आएंगे. मैस्कुलाइन जिसमें मैन मेल आएगा, फेमिनाइन जिसमें फीमेल, और कॉमन जिनमें दोनों ही आएंगे. एंड द लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर. व्हाट इज न्यूटर जेंडर स्टूडेंट्स? द नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स. जो नाउन हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिनमें जान नहीं होती है, दैट कैन नॉट बी मूव, जो मूव नहीं हो सकते हैं. जैसे होती है टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें होती हैं. वी विल लर्न इट बाय एग्जांपल. फर्स्ट इज स्टोन, सेकंड बुक, ट्री, हाउस, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. वी लर्न बाय सम मोर एग्जांपल्स आल्सो एंड द पिक्चर्स आल्सो. दिस इज वॉच, दिस इज नॉन लिविंग थिंग, इट कैन नॉट बी मूव्ड. दिस इज शू एंड दिस इज द हैमर. ऑल दीज आर
non living things. So masculine for male, feminine for female, woman for both, and the neuter gender is for non living things. Now students, we will learn formation of feminine gender. कि हम masculine gender से feminine gender कैसे बनाएंगे? By adding ESS to the masculine gender. जब हम masculine gender में ESS add कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा? Feminine gender. We will learn it better by examples as lion. Lion क्या है? Masculine है. And the feminine of lion? Lioness. अब अगर हम इसमें ESS add कर दें तो ये क्या हो जाएगा? Lioness. This is feminine gender. Poet? Poetess. Poet masculine. अगर हम इसमें ESS लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? Feminine. God? Goddess. Host? Hostess. Prince? Princess. Waiter? Waitress. Price, priestess, actor, actress, duke, duchess. All these are formation of feminine gender with the masculine. Masculine gender से इसमें feminine gender बताया गया है ESS add करके. Next point is feminine of a compound noun is formed by changing that part which shows the gender as. क्या होता है? Feminine compound noun का बनाया जाता है जब कंपाउंड नाउन होता है. उसका फेमिनाइन जेंडर हम कैसे बनाते हैं? जो जेंडर होता है उसमें, उस पार्ट को चेंज करके. मींस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा. ग्रैंडफादर, इसमें जेंडर क्या है? फादर जेंडर है. अब हम इसको ही चेंज करेंगे, फादर को ही. ग्रैंड को चेंज नहीं करेंगे. फादर विल बी चेंज इनटू मदर. ग्रैंड विल बी सेम. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दीज आर कंपाउंड. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जिसमें दो वर्ड एक साथ आए हों. ग्रैंड और फादर, दो वर्ड आए कंपाउंड, एक साथ आए हैं दो वर्ड. तो ये क्या है? ग्रैंडफादर से हमने ग्रैंडमदर बना दिया. पुलिसमैन, पुलिस वुमैन, ये भी मैन इसमें जेंडर है, इसको हमने चेंज कर दिया. वुमैन और पुलिस इज सेम. मैनी नाउंस हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मैस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन. कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो जिनके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मैस्कुलाइन में भी और फेमिनाइन में भी बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं. एज जैसे ऊपर तो हमने पढ़ा था लायन, लायनेस. लायन में बस हमने ESS लगा दिया मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए, तो लायनेस हो गया. इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने. ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया? फादर का मदर कर दिया, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है. पुलिस मैन में मैन को चेंज करके वुमैन कर दिया. पुलिस सेम रहा. बट हियर बोथ मैस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन विल बी चेंज कम्प्लीटली, पूरी तरह से चेंज हो. जैसे ब्रदर है, BROTHER, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया. इसकी फेमिनाइन बनाने के लिए इसकी डिफरेंट स्पेलिंग होगी. सिस्टर, मैन, वुमैन, फॉक्स, विक्सन, बॉय, गर्ल, बुल, काउ एंड अंकल, आंट. तो यू आर सेइंग हियर दैट द स्पेलिंग्स आर कम्प्लीटली चेंज्ड. पूरी तरह से जो है इनकी स्पेलिंग्स चेंज हो गई है. बट ऊपर हमने जैसे रीड किया था तो उसमें कुछ चेंज हमें करने पड़े थे, कुछ सेम रहे थे. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द चैप्टर ऑफ जेंडर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके, गुड बाय.